इस वीडियो में हम जानेंगे मेन्यू ड्रिवन इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में, यानी एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जिसमें हमारे पास एक मेन्यू मौजूद होता है और यूज़र जो है उस मेन्यू से अपनी मर्ज़ी की चॉइस सेलेक्ट करता है और फिर वहाँ पे जब वो चॉइस सेलेक्ट कर लेता है उसके बाद फिर अगला मेन्यू अपेयर होता है और फिर वो मज़ीद चॉइसेस सेलेक्ट करता जाता है। इस तरह के इंटरफेस को मेन्यू ड्रिवन इंटरफेस कहते हैं और इस तरह का जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसको मेन्यू ड्रिवन ऑपरेटिंग सिस्टम कहा जाता है। इसमें हमारे पास दो मेन एग्जांपल्स हैं जो कि काफ़ी मशहूर हुई। इसमें से पहला जो है वो है नोवल्स नेटवेयर, जो कि 1993 में लॉन्च हुआ था। इसके अंदर हमारे पास एक मेन्यू होता था और उस मेन्यू की मदद से हम डिफरेंट जो ऑप्शंस होते हैं एक ऑपरेटिंग सिस्टम के, वो हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका हमने एक स्क्रीनशॉट लिया है ताकि हमारे पास एक अंदाज़ा हो जाए कि नेटवेयर सिस्टम जो ऑपरेटिंग सिस्टम था वो दरअसल दिखाई किस तरह से देता था और उसके अंदर किस तरह से ऑप्शंस मौजूद होते थे। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे आपके पास एक मेन्यू है जिस पे आप कीबोर्ड के अप एंड डाउन बटन से इसको अपनी मर्ज़ी का इंफॉर्मेशन या अपनी मर्ज़ी का चॉइस सेलेक्ट कर सकते हैं। ऐसे यहाँ पे लिखा हुआ है कनेक्शन इंफॉर्मेशन, डिस्क इंफॉर्मेशन, लैन इंफॉर्मेशन, सिस्टम इंफॉर्मेशन, तो ये तमाम आखिर में एग्जिट का ऑप्शन है। तो ये आपके सामने एक मेन्यू मौजूद है। ये कमांड लाइन इंटरफेस के मुकाबले में बेहतर है क्योंकि इसके में आपको कमांड्स टाइप नहीं करनी पड़ती बल्कि आप मेन्यू सेलेक्ट करते जाते हैं, चॉइसेस सेलेक्ट करते जाते हैं और आपका टास्क मुकम्मल हो जाता है। इसी तरह जो अगला हमारे पास मेन्यू ड्रिवन ऑपरेटिंग सिस्टम था प्रोडोस के नाम से, ये एप्पल ने लॉन्च किया था। स्टार्ट में जिस टाइम एप्पल ने अपने कंप्यूटर लॉन्च किए, मैकिंटोश जो उनका कंप्यूटर था स्टार्ट में 1980s में, तो वहाँ पे उन्होंने एक ऑपरेटिंग सिस्टम जिस टाइम लॉन्च किया उसे प्रोडोस कहा जाता है। इसका भी हमने एक स्क्रीनशॉट आपको यहाँ पे दिखाया है। इसके अंदर आप देख सकते हैं कि इसके अंदर भी आपके पास जितने भी ऑप्शंस हैं वो एक मेन्यू की शक्ल में दिखाई दे रहे हैं। तो इस वीडियो में हमने ये जाना कि हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम में कमांड लाइन इंटरफेस के बाद जो मज़ीद डेवलपमेंट हुई उसमें ये हुई कि हमारे पास एक मेन्यू ड्रिवन इंटरफेस हमने हासिल किया। और बाद में यही मेन्यू ड्रिवन ऑपरेटिंग सिस्टम जो थे ये लॉन्च किए गए मोबाइल फ़ोन्स में, और मोबाइल फ़ोन्स में आपने देखा होगा कि जो पुराने मोबाइल फ़ोन्स थे उसमें हमारे पास मेन्यूज़ में ऑप्शंस होते थे और हम अपनी मर्ज़ी की चॉइस सेलेक्ट करते थे और उसके बाद पूरा जो हम मोबाइल के अंदर जितने भी ऑपरेशंस थे वो हम कर पाते थे। तो मोबाइल्स के अंदर भी मेन्यू ड्रिवन ऑपरेटिंग सिस्टम जो था उसको लॉन्च किया गया। तो इस वीडियो में आज हमने सीखा कि मेन्यू ड्रिवन इंटरफेस या मेन्यू ड्रिवन ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है और कौन से जो फेमस मेन्यू ड्रिवन ऑपरेटिंग सिस्टम थे जो कि पास्ट में, जो कि माजी में हमने इस्तेमाल किया।